हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जिंदल स्टील के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 3 अगस्त 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जिंदल स्टील में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला 4.09% का नेगेटिव मूव। 644 रुपये में क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज की है। नीचे के साइड में छोटी सी विक देखने मिल रही है। आरएसआई हमारे यहाँ पे 56-57 के आसपास जो स्लाइट एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर यहाँ पे नेगेटिव मूव के पॉजिटिव साइड का एक्सपेक्टेड थोड़ा सा डाउन साइड जो 631.80 आसपास देखने मिले, वहाँ से हम एक रिवर्सल देखेंगे। रिवर्सल में स्टॉक आएगा अराउंड सबसे पहले 641 के आसपास, उसको भी क्रॉस करता मूवमेंट हमें इजिली जो है वो 657 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी यहाँ पे आपको जो है 623 के आसपास अगर आते हुए देखने जरूर वहाँ पे बाइंग करें। यहाँ पे अगर आपको दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखना तो ही यहाँ पे लेकिन जो है बाइंग करें, वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक को आप आराम से गिरने दे। स्टॉक कभी भी आपको यहाँ पे अराउंड 607 के आसपास आते हुए देखने हैं जरूर वहाँ पे बाइंग करें, लेकिन 100% कैपिटल ना डालें, 20-25% तक आप कैपिटल डालें। बाकी का कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में। जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड को हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ जरूर यहाँ पे मार्क्ड है यहाँ पे ऊपर के साइड में, लेकिन हमने जो है डेटा फिलहाल जो है यहाँ पे इस स्टॉक का एनालिसिस हमने बहुत टाइम बाद जो हम ला रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं डेटा मार्क कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर लें, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, यहाँ पे मार्किंग जो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बाद में सीधा करता हूँ क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 643.30 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 642 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 646 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन करने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 635 का, उसके बाद क्या आता है 631 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 650 का, उसके बाद क्या 655 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड 646 से लेकर 650 के रेंज में हमारी क्लोजिंग जो हमें देखने मिल सकती है, इस रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है
कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।